अगर आप भी दिल्ली या दिल्ली से सटे हरियाणा में रहते हैं, तो और आपका अलीगढ़ आना जाना लगा ही रहता है, तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, वहीं यहां और भी एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी लगी ही रहती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को अब एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। अलीगढ़ से दिल्ली आना अब इतना आसान हो जाएगा कि आपको जाम में नहीं फंसना होगा। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि अलीगढ़ में किन गांव की जमीन इस एक्सप्रेसवे को बनाने में ली जाएगी। उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल के बीच ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे से और पलवल में ईस्टर्न पेरिफेरल के इंटरचेंज से जुड़ेगा। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और पलवल तक का सफर आसान हो जाएगा। इसके लिए अलीगढ़ के 23 गांवों की भूमि का अधिग्रहण होना है। 32 किलोमीटर लंबा फोरलेन एक्सप्रेसवे करीब 2300 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अलीगढ़ के खैर और जट्टारी के जाम से लोगों को राहत मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे अंडला के पास से पिसावा होकर यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंचाएगा। इसके बीच में हरित पट्टी भी होगी। जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाना है, वहां निशानदेही शुरू कर दी गई है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अलीगढ़ से एनसीआर और हरियाणा तक की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इन 43 गांवों की जमीन ली जाएगी। अलीगढ़ के जिन 43 गांवों की जमीन ली जाएगी, उनमें ये गांव शामिल हैं अंडला, अर्राना, जरारा, चौधाना, तरौरा, नयावास, रसूलपुर, एंचना, उद्यगढ़ी, बमौती, लक्ष्मणगढ़ी, मऊ, बांकनेर, धर्मपुर, नगला अस्सू, दमुआका, खैर, उसरपुर रसूलपुर, नागलकला, सोतीपुरा, फाजिलपुर कला, नागल खुर्द, खंडेहा, कुराना, टप्पल, आदमपुर, स्यारौल, डोरपुरी, रेसरी, रायपुर, घरबरा, पीपली नगला, कादिरपुर, गणेशपुर, चमन नगलिया, बझेड़ा, राजपुर, हीरपुरा, बुलाकीपुर, खेड़िया बुजुर्ग, जलालपुर, विचपुरी, इतवारपुर और हामिदपुर।